जिले में रुपये लेकर शादी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को समीप के जिले महाराजखेड़ी जिला धार के युवक ने खरगोन की युवती सहित 6 लोगों पर शादी के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी करने की शिकायत एसपी को की है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि शादी के 8 दिन बाद पत्नी अपने मायके गई, जो 9 माह बीत जाने के बाद भी नहीं लौटी है। एसपी के नाम की गई शिकायत में राहुल पिता प्रदीप ने बताया कि वह महाराज खेड़ी का निवासी होकर खरगोन निवासी मेघा नामक की युवती से 17 जनवरी 2023 को शादी हुई थी। इसके एवज में 2,30,000 रुपए भी लिए थे। शादी के 8 दिन बाद मेघा ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं मेघा को लेकर खरगोन आया था, जहाँ बस स्टैंड पर सुरेखा उसे साथ ले गई थी और मैं घर लौट गया था। अब तक मेघा नहीं लौटी। अब जब मैं सुरेखा के घर गया तो वह मुझे धमकी दे रही है। राहुल ने बताया कि मेघा अपने साथ सोने के जेवर भी ले गई है। इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी की है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। क्या हुआ आपके साथ? तो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है सर। किस तरह की हुई थी? शादी के लेके। क्या हुआ? शादी करवा दी और फिर ना बुलाने के टाइम पे पहुँचवा ली और बोला कि हाँ पहुँचा देंगे और लेने आता हूँ तो मारने धमकी देती है सर। वो बस टाइम से मेरे को भगा दिया था। शादी कब हुई थी? शादी 16 तारीख को हुई थी, जनवरी को। सुरेखा ने करवाई थी। सुरेखा वो जीते उनमें रहते हैं, और जब भी मैं आता हूँ तो मेरे को मारने की धमकी देती है। आओगे तो हाथ पांव तुड़वा के फेंकवा दूंगी नाले में, इसमें ऐसे करके। हर शिकायत करी आपने? सर थाने में भी करी है, तो अभी 15 दिन हो गए सर, अभी तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की मेरी। अब क्या मांग करते हैं आप? अब मैं बस यही मेरे पैसे आ जाए, यही मांग कर रहा हूँ। कितने पैसे दिए थे? 2,30,000 रुपये दिए थे और रकम भी थी 60,000 की। अभी आप एसपी साहब से मिले के आश्वासन मिले? हाँ उनके बस करते हैं, रख लिया और कार्रवाई करेंगे बस, ऐसा बोला सर ने। क्या नाम है आपका? राहुल दुबे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।